हरियाणा में एक बार फिर पेपर लीक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक बार फिर एचएसएससी ने पेपर लीक होने के बाद 8 और 9 अगस्त को जो पुलिस भर्ती परीक्षा थी उसे रद्द कर दिया है। और इसी को लेकर आज जो यूथ कांग्रेस की प्रदेश इकाई है वो पंचकुला स्थित जो एचएसएससी का दफ्तर है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो दफ्तर है, उसके बाहर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो गुस्सा है वो छात्रों को यहाँ पर फूट पड़ा। बड़ी संख्या में जो यूथ कांग्रेस से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर जो उनके स्टेट प्रेसिडेंट है दिव्यांशु उनकी अगुवाई में पहुंचे। आपसे बात करना चाहेंगे, ट्रॉफी आपके हाथ में नजर आ रही है और पेपर लीक मामले को लेकर आज यहाँ पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए जी, जिस बोर्ड के आज हम प्रांगण में खड़े हैं, जिस प्रकार से आपने इसका नाम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहा, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आज हरियाणा के युवाओं की नजर में ये एचएसएससी बोर्ड आज हरियाणा सुपर स्कैम कमीशन बन चुका है। लगातार इस सरकार के अंदर, इस बोर्ड के अंदर पेपर लीक के मामले निकल के आ रहे हैं और शायद ही इस सरकार के अंदर कोई ऐसी भर्ती हुई हो जिसमें पेपर लीक का मामला ना आया हो या भ्रष्टाचार के आरोप इस बोर्ड के ऊपर, इस सरकार के ऊपर ना लगे। अभी हाल ही में परसों हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल की भर्तियां, जिसके अंदर 8.5 लाख हरियाणा के युवाओं ने जो है पेपर भरा, जो परीक्षार्थी थे, आज उनके साथ कितना बड़ा धोखा इस बोर्ड में बैठे कुछ अधिकारियों की वजह से, इस बोर्ड में बैठे कुछ भ्रष्ट लोगों की वजह से उनके साथ कितना बड़ा आज फ्रॉड हुआ है, आज उसी की आवाज उठाने आज हरियाणा यूथ कांग्रेस इस सोई सरकार को, इस सोए चेयरमैन को आज हम यहाँ जगाने आए हैं। और जो परसों हरियाणा मेल कांस्टेबल पुलिस भर्ती का मामला हुआ है उसके अंदर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये पेपर लीक का मामला किसी लोकल स्तर पर नहीं बल्कि इस बिल्डिंग के अंदर बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार का यहाँ अड्डा बना रखा है, उनकी मिली भगत से यह पेपर लीक हुआ। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हरियाणा सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड कायम किया है। किसी भी सरकार में इतने पेपर लीक के मामले आज तक हिंदुस्तान में नहीं आए। 28 पेपर लीक के मामले हरियाणा सरकार में इस बोर्ड के माध्यम से हुए हैं। इसलिए आज हमने ये एक ट्रॉफी पेपर लीक करवाने में रिकॉर्ड कायम करने के लिए एचएसएससी को पुरस्कार आज हरियाणा युवा कांग्रेस देने आई है। शायद ये पुरस्कार लेकर यहाँ का बोर्ड, यहाँ के अधिकारी, यहाँ का चेयरमैन, इनमें थोड़ी लज्जा आ जाए और ये लोग जिस प्रकार से लगातार हरियाणा के लोगों की, हरियाणा के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, शायद इन लोगों में कुछ अकल आए। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ साक्षी शर्मा, जी मीडिया, पंचकुला।